पहले इस तरह के केसेस आए भी, कुछ केंद्र में हो हंगामा किया भी, छात्रों ने परीक्षा बहिष्कार भी की और उनसे कोई विश्वविद्यालय का अहित होने वाला नहीं है। ऐसे लोगों को हम टॉलरेट भी करेंगे, टाल देंगे, उनकी बात हम नहीं सुनेंगे। आप लोगों को भी ये चाहिए कि ऐसे लोगों को बढ़ावा ना दें। कहीं ऐसा कोई कहे कि कई तरह के लालच हो सकता है, लालच के कारण से भी लोग जुड़ जाते हैं या संबंधों के कारण जुड़ जाते हैं कि अरे हम तो इसी क्षेत्र के हैं और हम इस तरह का हम सहयोग नहीं करेंगे तो हम कैसे रहेंगे यहाँ पर, हमको कैसे आधार मिलेगा। कभी राजनीतिक दबाव, कभी छात्रों का गुंडागर्दी, कभी कई तरह के दबाव आते हैं। उन दबावों से मुक्त होकर के आप विश्वविद्यालय की छवि को सुधारेंगे। जैसे विश्वविद्यालय की छवि सुधरेगी वो आपको भी उसके प्रसन्नता होगी, आपकी भी छवि बढ़ेगी, आपका भी नाम रोशन होगा। विश्वविद्यालय में हमने दो तरह के भेद देखे। एक तो यहाँ जो काम कर रहे हैं वो पारिश्रमिक पर आए थोड़ा, क्योंकि लोगों में असंतोष ये है कि हमको नियमित रूप से वेतन नहीं मिल रहा है या नियमित पद हमको नहीं मिल रहा है, हम मानदेय पे या कलेक्टेड दर पर हम काम कर रहे हैं और हमारा भविष्य क्या होगा, ऐसे किस तरह से काम चलेगा, हम कहाँ तक हमारा भविष्य सुरक्षित कर सकेंगे, लोगों में इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। अब तुलना कीजिए, जो एक दूरस्थ उसमें हमारे अध्ययन केंद्र में बैठा है उनकी कार्यप्रणाली और विश्वविद्यालय में जो काम कर रहे हैं उन दोनों के कार्यप्रणाली में कितना अंतर है। ये 10:30 से 5:30 तक जूझ रहे हैं और क्षेत्र में वहाँ हैं वो 1 घंटे 2 घंटे, कभी 2 दिन 4 दिन गए भी नहीं गए, कुछ छुट्टी हैं कि नहीं है कोई उनका नहीं है। तो व्यवस्था इस तरह की होनी चाहिए। इस बारे में राज्य शासन से भी चर्चा हुई, राज्य शासन की मंशा है कि आप ऐसे प्रस्ताव भेजें। प्रस्ताव हमारा तैयार हो भी गया है, एक बार गया भी, कि जो सारे अध्ययन केंद्र हैं वहाँ की एक भिन्न व्यवस्था होगी, उनके लिए भी एक मानदेय जो होगा उनके वेतन के रूप में होगा और उनका भविष्य एक तरह से सुरक्षित रहेगा, भले ही उनको राज्य शासन के कर्मचारियों की तरह वेतन और शर्तें नहीं होंगी। और विश्वविद्यालय में जैसे पद आप हमको मिलेंगे, पद राज्य शासन से स्वीकृत होते हैं, जिन पदों में उनकी स्वीकृति मिल गई है उनके विज्ञापन की तैयारी लगभग पूरी हो गई है, 1-8 हफ्ते में वो भी मैंने विज्ञापित हो जाएंगे। विज्ञापन के संबंध में अभी रोस्टर के कारण से फंसा हुआ है, आप लोग सब जान रहे हैं कि जो अभी 50% से अधिक आरक्षण होने की वजह से मामला न्यायालय में चल रहा है और वो जैसे ही क्लियर होता है, हमने आदिम जाति अनुसंधान केंद्र को ये दे रखा है और वो जैसे स्वीकृति मिलती है तो हम लोग तुरंत भरने की कार्रवाई करेंगे। काफ़ी दिनों से ये पड़ा हुआ, इसके कारण से हमारे अनुदान में भी अंतर पड़ता है और आगे की पोस्ट भी हमको नहीं मिल पा रही है। लगातार दूरस्थ शिक्षा केंद्र से ये आता है कि आपके पास फैकल्टी होनी चाहिए, अब फैकल्टी होगी तो आगे कुछ कई तरह के कोर्सेज आएंगे। अभी तो हम लोग बहुत बेसिक कोर्स चला रहे हैं, BA, BSc, BCom, MA और MSc, ये परंपरागत कोर्स हैं। हमारे पास ऐसे डिप्लोमा और भी बहुत सारे होने चाहिए जो रोजगारोन्मुखी है या हमारी आज की स्थिति में उनके भिन्न भिन्न क्षेत्रों की मांग है, उनको हमने अभी लिया नहीं। लगभग 140 ऐसे इनके डेक के पास या दूरस्थ शिक्षा के पास ऐसे पाठ्यक्रम हैं जिनको हम एडाप्ट भी करना चाहते हैं और धीरे धीरे आप लोगों के साथ इस तरह सहयोग रहेगा तो उसको एडाप्ट भी करेंगे। अभी बहुत सारे कोर्सेज तो अभी बंद कर दिए गए, या तो किसी में छात्र नहीं हैं या उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। अपने अपने स्वार्थ के लिए कुछ लोगों ने उस तरह के कोर्सेस चलाना शुरू किया, उसको भी हम लोगों ने बंद कर रखा है। तो आज का पहला सत्र है, ज़्यादा लंबा आप लोगों को नहीं देंगे। अगली बार हम प्रवेश और एकेडमिक और विश्वविद्यालय के रूल्स रेगुलेशन के बारे में अब जब मुझे बारी आएगी तो मैं आप लोगों को थोड़ा अवगत कराऊंगा। बहुत गंभीरता से लेने पर अभी एकदम से आप लोगों के लिए थोड़ा लगेगा कष्टप्रद, नीरस टाइप का लगेगा। अगली बार थोड़ी सरसता से हम इसको आगे डील करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। हाँ कुछ, हाँ जी, तब उसको तो अलग अलग कर दिया है ना, बता देंगे। अंग्रेजी और संस्कृत जो है दोनों मिल करके पास होना है, दोनों को मिलकर पास होना है।
दोनों मिलाकर पास होना है। अंग्रेजी में शून्य हो उसमें आप पासिंग मार्क्स ले लें, संस्कृत में तब भी पास हो जाएंगे। अंग्रेजी का माध्यम तो अंग्रेजी है, उसमें हम लोगों ने पाठ्यक्रम में भी लिख दिया है, जो अंग्रेजी है वो अंग्रेजी में लिखेंगे, हिंदी है हिंदी में लिखेंगे। हाँ नहीं नहीं हालांकि हाँ ये आपका प्रवेश प्रक्रिया अलग चलती है। हाँ ठीक है ना, अगर कोई अगर पूछे तो बता सकते हैं कि राज्य शासन ने पिछले वर्ष यह व्यवस्था कर दी थी कि अंग्रेजी के जो प्रश्न पत्र हैं उसको हिंदी में लिख दीजिए, और इस विश्वविद्यालय के परीक्षार्थी भी इस तरह की व्यवस्था में जुड़ गए, उन्होंने भी अंग्रेजी का प्रश्न हिंदी में लिखा और उनकी कापियाँ जची भी और पास भी हुए हैं और कुछ फेल भी हुए हैं। हमने उसको इग्नोर नहीं किया, ये नहीं निकाल के दे दिया कि अंग्रेजी का आपने प्रश्न पत्र हिंदी में क्यों किया, आपको शून्य दिया गया था, ऐसा भी नहीं किया था। उस पेपर को अब इस बार दो भागों में बांट दिया गया है, जो अलग अलग पास होना था अंग्रेजी और संस्कृत में उसको हमने एक कर दिया है, दोनों मिला करके वो पासिंग मार्क्स मिल जाने चाहिए, पास हो जाएंगे। कोई प्रश्न हो आप लोगों का? परीक्षा समय जी, आपकी जो एनरोलमेंट है जी उसको इम्प्रूव करने के लिए एक बात लिखना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आपका ऑर्डिनेंस जो है वो कहता है कि आप 30% में भी पास होइए और 70% में भी पास होइए। यदि आप 30% और 70% को कंबाइन करते हैं तो आपका जो एनरोलमेंट है वो 5,000 है, तो 25,000 बढ़ जाएगा। और ये है, ये व्यवस्था केवल आप नया नहीं कर रहे हैं, ये व्यवस्था तमाम यूनिवर्सिटीज में है, जिसकी कि मैंने वेबसाइट से निकाल दिया, उनके ऑर्डिनेंस निकाल के मेरे पास रखे हैं जी। ये आपको एक बार मैंने और भी बताया था, माननीय कुलपति जी को भी बताया था, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं, मैं उसको भी कार्रवाई करते हैं उसको भी देख लेंगे एकेडमिक काउंसिल में, उसको विचार को ले जाएंगे। छात्र हित में अगर किसी भी तरह का, हम बिल्कुल रूढ़ नहीं होना चाहते हैं, छात्र हित में अगर किसी विश्वविद्यालय ने इस तरह की व्यवस्था दी है तो उसको भी हम व्यवस्था में लाने के लिए प्रयास करेंगे जी जी। अरे दे दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल उसको रख देंगे। हाँ हाँ शांत रहिए, थोड़ा सा प्लीज शांत रहिए, आप ही लोगों की बात हो रही है और छात्रों के हित की बात हो रही है, आप सुनिए तो जरा, सुनिए तो जरा किस तरह से बात हो रही है। हाँ बताइए, आपके विश्वविद्यालय में 3 परीक्षाएं होती है, लड़के को प्रैक्टिकल में पास होना, असाइनमेंट अलग होता है, लड़के को उसमें भी पास होना होता है, और आपके पास जो एनुअल एग्जामिनेशन होता है लड़के को उसमें भी पास होना। इतना बैरियर आपने लगा रखा है तो लड़का कन्वेंशनल में क्यों, मतलब क्यों क्यों न जाए। ये बैरियर जिस दिन आप खत्म कर देंगे आपका एनरोलमेंट 30% से ज़्यादा। सही, आप प्रस्ताव आपका बिल्कुल सही है, इस बारे में हम लोग विचार करेंगे, मैं प्रस्ताव स्वयं एकेडमिक काउंसिल में दूंगा। हाँ हाँ, ये विद्यार्थियों को एक तरीका सिखाने के, सत्रीय कार्य का मतलब ये है कि उसको हार्ड एंड फास्ट बना करके उसमें उत्तीर्ण होना ही आवश्यक है, आसान। अगर वो सत्रीय कार्य कहाँ रखेंगे, व्यवस्था रखेंगे, अगर वो लड़का नहीं बैठता है, सत्रीय कार्य की उत्तर पुस्तिका नहीं लिखता है, तो 70 नंबर जो उनके सत्रांत हैं उसी में पास हो जाए तो हमको कोई आपत्ति नहीं। इस तरह की व्यवस्था के लिए हम एकेडमिक काउंसिल में प्रस्ताव देंगे, बिल्कुल उचित प्रस्ताव है। ये पेपर का एक पार्ट है, पेपर को हमने जो परीक्षा है एक प्रश्न पत्र की उसको दो भागों में बांट दिया, एक सत्रीय कर दिया एक सत्रांत कर दिया, तो सत्रीय और सत्रांत दोनों मिल करके उसको उत्तीर्ण हाँ करना चाहिए जी जी। हाँ वो ऑप्शनल टाइप का हो जाए, वो करना हो तो करें, ना करना हो तो ना करें। नहीं नहीं करना तो उसको है ही है, हाँ। देखिए करना कंपलसरी रखिए, नहीं तो उसको एक मिनिमम मार्क्स आप रखे हुए हैं कितना पास होना है, नहीं पास हो रहा है कुछ, टोटल मिला के पास हो रहा है, पास हो जाएगा। तो अगर टोटल मिला के पास होना है तो फिर वो करे या ना करे। सर ओपन कोर्स के फिलॉसफी में ऐसा नहीं है, उसके पास होना ही पड़ेगा। सर ओपन में ही, मैं ओपन यूनिवर्सिटी की और कई व्यवस्थाएं देख लेंगे उसको। ये सामान्य पाठ्यक्रम की बात हो रही है, जो परंपरागत पाठ्यक्रम है बी ए बी एस सी उसकी बात हो रही है। हाँ जनरल एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, और जनरल एग्जामिनेशन के आर्डिनेंस मेरे पास 6 यूनिवर्सिटी के मैंने वेबसाइट से
देख लेंगे उसकी अगर, हाँ बिल्कुल, अगर अगर ऐसी व्यवस्था अन्य विश्वविद्यालय में है तो हम भी चाहेंगे कि हमारी व्यवस्था भी उस तरह की हो। जैसे बहुत बहुत रूढ़िवादी होकर के हम नहीं रहना चाहते हैं, हम उसमें भी मुक्त होना चाहते हैं। और कोई प्रश्न आप लोगों में से सेंटर से? थैंक यू। वर्षों में इस अधिनियम को, इस अधिकार के संदर्भ में अनेक घटनाएं देश भर में हुई, कुछ अच्छी घटनाएं भी हुई हैं और कुछ निगेटिव भी। मीडिया का इस अधिकार पर बड़ा फोकस रहता है, इस कारण से इस अधिनियम के बारे में मोटे तौर पर जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसको एक जानकारी है। आप सब भी विश्वविद्यालय में हैं, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कुछ मोटी मोटी बातें आपके ध्यान में हैं, फिर भी ये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है इसलिए कुछ बातें मैं कहूँगा, बाद में 10 से 15 मिनट आपके लिए भी समय होगा यदि आप कुछ पूछना चाहें इस विषय पर, तो आपके जिज्ञासा का समाधान करने का मैं प्रयास करूंगा। बहुत छोटा सा अधिनियम है, कुल मिलाकर 27-28 धाराएं और एक आधे घंटे में इसको जो बेयर एक्ट है वो पढ़ा जा सकता है। और मैं जहां जहां, वैसे तो प्रशिक्षण का काम हम करते नहीं हैं, लेकिन कहीं किसी प्रशिक्षण के सत्रों में बुलाए जाते हैं तो मैं सबसे पहले यही बात कहता हूँ कि आधे घंटे का समय निकाल कर इस अधिनियम को पढ़ लें तो बहुत सारी समस्याएं हमारी ऐसे ही दूर हो जाती हैं। समस्याएं इसलिए आती हैं कि हमने वो अधिनियम पढ़ा नहीं। जब आयोग में भी प्रकरण सुनवाई में आते हैं और जन सूचना अधिकारी हमारे यहाँ उपस्थित होते हैं तो भी ये बात ध्यान में आती है कि उन्होंने, जन सूचना अधिकारी हैं लेकिन सूचना का अधिकार का अधिनियम एक आधा घंटे का समय निकाल कर पढ़ा नहीं। तो थोड़ी सी इसकी भूमिका 5 मिनट में रखूंगा और उसके बाद कुछ अधिनियम के कुछ जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, वैसे 5-7 प्रावधान है जो जन सूचना अधिकारियों के लिए और जनता के लिए महत्वपूर्ण है, बाकी तो आयोग का गठन है और शासन के नियम बनाने की शक्तियां हैं ये सब। तो वो 27-28 धाराओं में से भी 6-7 धाराएं ऐसी हैं जो आपके काम की, तो उसको तो 20 मिनट में समय निकाल कर पढ़ा जा सकता है। तो ये मैं आग्रह फिर से कर रहा हूँ कि यहाँ से जाने के बाद वेबसाइट पर एक्ट है या बाज़ार में 15-20 रुपए की पुस्तक मिल जाती है वो खरीद कर एक बार अवश्य इसको पढ़ना चाहिए। हम जन सूचना अधिकारी आगे बनेंगे नहीं बनेंगे वो अलग विषय है, लेकिन एक नागरिक होने के नाते इसको पढ़ना चाहिए। कुछ वर्ष पूर्व, लगभग 20 वर्ष हुए, तो देश में अनेक बातें समय समय पर उठती हैं प्रशासन के कामकाज को लेकर। तो राजस्थान में कुछ लोगों का एक समूह था, तो वहाँ से
से ये सूचना अधिकार की बात सामने आई। वहाँ कुछ आंदोलन हुए, अरुणा राय वगैरह जो ऐसे नाम है वो इस आंदोलन में सहभागी बने और लोगों के बीच में ये बात आई और लोगों ने उसको स्वीकार भी किया कि प्रशासन किस तरह से काम करता है वह जानकारी इस देश के नागरिकों के बीच में आने का कोई सशक्त माध्यम होना चाहिए। छोटे मोटे आंदोलन हुए, हम जानते हैं हमारे देश में विदेश पश्चिम की तरह बहुत क्रांतियां नहीं होती। पश्चिम में अनेक क्रांतियां होती है, एक क्रांति होती है पूरी व्यवस्था बदल जाती है, फिर वो कुछ वर्ष चलती है दूसरी क्रांति होती है फिर वो व्यवस्था बदल जाती है। ऐसा भारत में नहीं, यहाँ परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं क्योंकि यहाँ की जनता की सोच एकदम से कुछ बदलाव कर देने की नहीं, वो धीरे 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 आगे बढ़ती है। तो कुछ परिवर्तन पिछले 60-65 वर्षों में हुए, आज़ादी के समय संघर्ष के दौरान हुए, उसके पहले आक्रमणकारियों के विरुद्ध जो संघर्ष हुए उस समय हुए, बाद में आज़ादी के बाद कुछ परिवर्तन हुए। तो जनता को लगने लगा कि प्रशासन कैसे चलाया जाता है ये जानकारी हमको होनी चाहिए क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र होने के कारण जो आम नागरिक है वह इस देश का असली मालिक। तो हमारे प्रशासन की शब्दावली में भी है कि लोक सेवक ये कहा गया है, जो बड़े अधिकारी होते हैं या राजनीतिक कारणों से जो प्रशासन को चलाने के लिए उनका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन जो अधिकारी हैं वह स्थायी रूप से रहते हैं, उन सभी को लोक सेवक माना गया। इसका मतलब ये है कि जनता मालिक है और लोक सेवक हमारे द्वारा नियुक्त हैं, चाहे वह प्रतिनिधि के तौर पर हो या कर्मचारी। मैं अपने घर में 2 नौकर रखता हूँ कामकाज के लिए, तो उन नौकरों पर सीधा नियंत्रण मेरा होता है, वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये मैं बताता हूँ। वैसे ही देखा जाए तो लोक सेवक हैं यह देश की जनता मालिक है और बाकी हम जैसे लोग अधिकारी के रूप में आज आसीन हैं, तो हम मालिक नहीं, इस देश की मालिक की सेवा करने के लिए हमको रखा गया। तो ये इस अधिकार के पीछे की का मुख्य विचार। इस कारण से जैसे जैसे सरकार पर दबाव बढ़ता गया, सरकार ने एक अधिनियम बनाया और 2005 में इसको पारित किया। सारे देश में एक साथ यह अधिनियम लागू हुआ। इस अधिनियम को मॉनिटर करने के लिए राज्य शासन को और केंद्र शासन को अधिकार दिए गए हैं और सारे राज्यों में और केंद्र में एक आयोग का गठन किया गया जो कि इस अधिनियम का लाभ लेने वालों की अपील और शिकायत सुनते हैं। केंद्र का आयोग है और उसके अलावा सारे राज्यों में आयोग। लेकिन एक भ्रम की स्थिति अभी भी है कि राज्य के आयोग ने जब निर्णय पारित राज्य के आयोग जब निर्णय पारित करते हैं तो ऐसी मानसिकता है कि वो केंद्रीय आयोग में उसकी अपील हो सकती है, तो ऐसा नहीं, ये सारे आयोग पैरेलल है। केंद्र का आयोग केंद्र सरकार के विभागों के लिए है और राज्य के आयोग राज्य सरकार के विभागों के लिए। राज्य सरकार के जो विभाग हैं अथवा अनुदान प्राप्त संस्थाएं हैं या विश्वविद्यालय की तरह अर्धशासकीय हैं, ऐसी सारी संस्थाओं पर राज्य आयोग
अपना अंतिम फैसला सुनाता है। और केंद्र की जो संस्थाएं हैं या केंद्र के विभाग हैं, केंद्र के उपक्रम हैं, उससे संबंधित अपीलों में अंतिम निर्णय केंद्र का होता है। ये एक भ्रम सामान्यतः रहता है, तो ये इसलिए मैंने इसको पहले लिया। इस अधिनियम में जनता को सीधे यह अधिकार दिया है कि 10 रुपए का शुल्क शासन को भुगतान कर वे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक आवेदन पत्र उनको बनाना है जिसका कोई प्रारूप शासन के द्वारा निर्धारित नहीं, प्लेन पेपर पे उन्हें जो जानकारी चाहिए वो उसका उल्लेख करते हुए जिस विभाग से चाहिए वहाँ वह आवेदन पत्र लगा सकते हैं। उस आवेदन पत्र को प्रस्तुत करने के बाद 30 दिनों के भीतर उस विभाग में जो जन सूचना अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी होता है उसको वह जानकारी आवेदक को उपलब्ध करानी है। ये अधिनियम की बाध्यता। यदि उसे किन्हीं कारणों से 30 दिन से अधिक समय लग रहा है तो वह जन सूचना अधिकारी उस आवेदक को सूचित करता है कि इन इन कारणों से आपकी जो जानकारी है वो उपलब्ध कराने में कठिनाई है, अतः इसमें अधिक समय लग सकता है, तो उसके लिए उसके पास 15 दिन बोनस है, यानी कुल मिलाकर उसको 45 दिन के अंदर जानकारी उपलब्ध करानी है। राज्य शासन ने कुछ नियम बनाए कि आवेदन में एक विषय वस्तु की जानकारी मांगनी चाहिए, ये हमारे राज्य शासन का नियम। हम तहसील कार्यालय में जाते हैं, हमको कोई जानकारी चाहिए, एक आवेदन बनाया, वो पटवारी रिकॉर्ड भी दे दीजिए, फिर तहसीलदार के द्वारा कोई निरीक्षण किसी ग्राम का किया गया है तो वहाँ की रिपोर्ट भी दे दीजिए, तहसीलदार ने कोई आदेश पारित किया है तो उसकी भी कॉपी दे दीजिए, तो ये 2-3 विषय वस्तु होंगी, ऐसा नहीं कर सकते। एक विषय वस्तु एक आवेदन में मान्य होगी। लेकिन जो समय सीमा है उसकी वही 30 दिन या कुछ विशेष परिस्थितियों में 45 दिन।